हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है, ओवर एंड ऑल आपके पार्टनर के लाइफ में आज के दिन में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 of Coins। नेक्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट इज द स्टार एंड 3 of Cups। बहुत ही शानदार एनर्जी है। बॉटम से भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आज की एनर्जी की बात करें आपके पार्टनर के लाइफ में, तो फैमिली में किसी तरीके की स्टेबिलिटी, गुड न्यूज, कहीं कोई घर मकान प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कहीं लिया है तो वहां पर गृह प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ गुड न्यूज की एनर्जी है, ठीक है, स्टेबिलिटी की एनर्जी, कुछ अच्छा होने की एनर्जी है इनके फैमिली में, भाई का हो, मदर फादर का हो, सिस्टर का हो, बट समथिंग इज रिलेटेड टू फैमिली आज के दिन में। साथ ही साथ एनर्जी है आपके पार्टनर के लाइफ में किसी सिचुएशन में लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, किसी तरीके का चेंज इनके लाइफ में आज के दिन में नजर आ रहा है और ये जो चेंज है ये इनकी विशेस को पूरा करेगा जिसको इन्होंने डिवाइन से मांगा है, प्रेयर्स किए हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज को मैनिफेस्ट किया है, तो वो विश फुलफिलमेंट इनका आज के दिन में होने वाला है। आपके पार्टनर किसी की वेडिंग को अटेंड कर सकते हैं, इनके घर में शादी को लेकर, शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजों पर डिस्कशन हो सकता है और कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में अगर ये सिंगल है तो शादी के मार्ग को प्रशस्त करेगा। ठीक है, बहुत टिपिकल हिंदी हो गई बट यही है एनर्जी की। शादी से रिलेटेड कोई चेंज, कोई कन्फेशन, कोई डिसीजन मेकिंग एनर्जी यहां पे दिख रही है। पॉसिबल है कि ये आज के दिन में कोई पैशनेट वे में न्यू बिगिनिंग आपके साथ भी कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की गुड न्यूज दें, फैमिली से मिलवाएं या आपको बताएं कि मिलना है, फैमिली मान गई है, डिपेंड कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर ये आप ही से मैरिड हैं या किसी और थर्ड पार्टी से मैरिड हैं तब भी इनके लाइफ में आज के दिन में कुछ चेंज है और ये जो चेंज है ये सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, मैरिज रिलेटेड चेंज है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 10 of Swords, 9 of Wands और यहां पर एनर्जी है 5 of Wands की एंड 5 of Swords की। आज के दिन में ये जो चेंज है ये इनकी लाइफ में पास्ट की नेगेटिविटीज को खत्म करेगा, किसी तरीके के कंफ्यूजन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। देखिए यहां से भी जो एनर्जी है 5 of Swords एंड 5 of Wands की है एंड 10 of Swords के साथ में, मतलब ये जो बहुत समय से चाह रहे थे किसी सिचुएशन से बाहर निकलना, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और वो नहीं आ पा रहा था तो वो आएगा। ठीक है, उस पे इनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो पॉजिटिव वे में सिचुएशंस को बैलेंस आउट करेंगे पॉजिटिव चेंज के साथ में, कुछ लोगों के लाइफ में ये जो चेंज है ओवर एंड ऑल पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन एनर्जी ड्रेन करने वाला होगा। कोई नेगेटिविटी का अंत कभी भी खुशी से नहीं होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीख रहे हैं यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी से झगड़ा करना, किसी से ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है तो वहां पर मार कुटाई की एनर्जी है यहाँ पे। और आप देखेंगे तो वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जबान में तीखापन, कॉन्फ्लिक्ट्स, हार्श डिसीजंस, एनर्जी बहुत लो हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की आज के दिन में। बट जो भी होगा इनकी विशेस के अकॉर्डिंगली होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, शादी के लिए कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, शादी में कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आज के दिन में आपके पार्टनर की विश पूरी हो सकती है, आप भी होपफुल रहिए क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो हो सकता है कि किसी तरीके की नई शुरुआत ये आपके साथ करें, बातचीत करें आपसे, पैशनेटली आपसे डील करें, इंटरेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर 10-10 की वाइब्रेशन और यहां पर भी 10 नंबर है, मतलब यहां पर जो एनर्जी है वो 10-10 की है, कंप्लीशन की। कोई साइकिल आपके पार्टनर की लाइफ से आज के दिन में कंप्लीट होने वाला है और प्रॉपर तरीके से बोलते ना कि पास्ट का चैप्टर था आज खत्म हो गया, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट है, वही एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे,
कुछ लोगों के लिए 3 घंटे के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आपके लव लाइफ में भी हो सकता है इनके साथ में। इस टाइम फ्रेम के अंदर आए, सेलिब्रेट करें, आपके साथ रीयूनाइट हो, बातचीत करें, सॉर्टेड करें सिचुएशंस को। और कुछ लोगों के लिए ये 10 आवर्स के अंदर भी कोई स्टेबिलिटी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या इनके लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।